क्या आपको हैक्स कंप्यूटर या फिर एंड्रॉइड से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स सेटिंग्स वाली वीडियोस देखना अच्छा लगता है? कंप्यूटर गीक को हाउ टू वीडियोस देखना पसंद है? सो यू आर ऑन द एग्जैक्ट प्लेस। हाय, दिस इज अश्विन, यू आर वाचिंग लेट्स टेक हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए तो फर्स्टली तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि आज की वीडियो में एक्चुअली में हम देखने के वाले, क्योंकि आपको ना ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा कि लाइक आज की वीडियो में हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन को हमारे एंड्रॉइड फोन की स्क्रीन पर कास्ट करेंगे या फिर कहो मिरर करेंगे। तो वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर स्क्रीन मिररिंग काफ़ी ज़्यादा आसान और कॉमन है, ठीक है। और अब तो यहाँ पर आपको अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन और कंप्यूटर दोनों में स्क्रीन मिरर करने के लिए एक सेपरेट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिस फीचर को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, ओके। और अगर लिटरली मुझसे पूछो तो यहाँ पर स्क्रीन मिररिंग फीचर का इतना कोई ज़्यादा सेंस नहीं है। आप मुझे बताओ, आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर कास्ट करके करोगे क्या? है कोई यूज़? कोई यूज़ नहीं। चलो मान लिया एक बार को आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन की स्क्रीन को अपने कंप्यूटर पर कास्ट करते हो, तो वेल वो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करने के काम आ जाता है, या फिर जो भी हमारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन में छोटा दिखता है वेल वो क्लियरली हमारे डेस्कटॉप में बड़ा दिखने लग जाता है। तो यही कुछ यूजेज है यहाँ पर स्क्रीन मिररिंग के, बट इसके अलावा कोई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज़ बिल्कुल नहीं है। तो वेल इसलिए यहाँ पर मैं क्लियर कर दिया कि आज की वीडियो में हम यहाँ पर स्क्रीन मिररिंग टॉपिक पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आज हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन को हमारी पीसी के लिए एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले कर सकते। अब ये सेकेंडरी डिस्प्ले में होता क्या है? तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक सीपीयू होगा और अब आपके पास दो स्क्रीन होगी, पहला तो आपका मॉनिटर और दूसरा आपका टैबलेट या फिर आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन नंबर 1 में दिखेगा वो सिमिलरली आपके टैबलेट या फिर आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन में भी दिखेगा। यही तो खासियत है, आप यहाँ पर एक स्क्रीन पर दूसरे टास्क को परफॉर्म कर सकते हो और दूसरी स्क्रीन पर डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर पहली वाली स्क्रीन पर मैं गेम खेल रहा हूँ और दूसरी वाली स्क्रीन पर यहाँ पर मैं अपने ईमेल चेक कर सकता हूँ या फिर कुछ भी इंटरनेट पर ब्राउजिंग कर सकता हूँ, मैसेजेस चेक कर सकता हूँ। तो यही होता है यहाँ पर एक सेकेंडरी डिस्प्ले का रियल एडवांटेज। बट यहाँ पर जो कुछ भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ ना, वेल उसका एक अल्टीमेट यूज और है जो कि आपको ना जरूर से पता होना चाहिए, जो कि लाइक इसके थ्रू ना आप अपने टैबलेट या फिर एंड्रॉइड स्मार्टफोन को एज अ प्राइमरी डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो अपने कंप्यूटर के लिए एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी। लाइक आपका डिस्प्ले खराब हो गया है या फिर रिसेंटली आपके पास डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को एज अ प्राइमरी मॉनिटर यूज कर सकते हो अपने पीसी के लिए। अब यहाँ पर डाउट होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? वेल ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मॉनिटर लाइक फीचर प्रोवाइड करने वाला हूँ। लाइक जिसे आप अपने पीसी में अपने मॉनिटर को अटैच करते हो तो डायरेक्टली डिस्प्ले आना स्टार्ट हो जाता है, आपने कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिमिलरली यहाँ पर जिसे आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को यूएसबी केबल के थ्रू अटैच करोगे अपने पीसी से, डायरेक्टली डिस्प्ले आना स्टार्ट हो जाएगा आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन में। आपने कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं, कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है। तो है ना अल्टीमेट यूज। इसके अलावा भी और भी इसके ऐसे कई सारे माइंड ब्लोइंग यूजेस है। लाइक यहाँ पर आप एडिटिंग कर रहे हो तो आप प्राइमरी डिस्प्ले में वीडियो को एडिट कर सकते हो और एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में उसका प्रीव्यू देख सकते हो, तो काफी ज्यादा हैंडी हो जाएगा। या फिर आप मेरी तरह यहाँ पर टेक गीक को कुछ ना कुछ इंटरनेट पर पढ़ते रहते हो, रीड करते रहते हो, तो आप अपने प्राइमरी डिस्प्ले में यहाँ पर सर्फिंग कर सकते हो, कुछ रीड कर सकते हो और सेकेंडरी डिस्प्ले में आप नोट पैड में उसके मेन मेन पॉइंट्स नोट कर सकते हो। तो इसके ना और भी ऐसी अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिक यूजेस है डिपेंडिंग ऑन योर माइंड। तो चलिए अब यहाँ पर हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते और देखते हैं कि हमें इसे कैसे सेटअप करना है। बट हाँ, एट लास्ट में मैं एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की और ऐसे मतलब यूजफुल बात बताने वाला हूँ, तो उसे मिस करके तो बिल्कुल मत जाना। वेल इसे सेटअप करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमें वायर्ड एक्स डिस्प्ले ड्राइवर को हमारे पीसी या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करना होगा। सो वेल ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर हमें फर्स्टली क्रोम ब्राउजर में जाना है और वायर्ड एक्स डिस्प्ले ड्राइवर सर्च करना है। देन यहाँ पर जो हमें फर्स्ट वाला लिंक मिलता है ना वो officialdisplestore.com का ही है, तो सिंपली हम इसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर फर्स्टली तो हमें मैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और सेकंडली हमारे विंडोज़ के लिए, तो हमें विंडोज़ के लिए चाहिए तो हम सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो वन क्लिक में डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे डाउनलोड होने देते हैं। ओके, तो फाइनली डाउनलोड हो गया। अब सिंपली यहाँ पर मैं शो इन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ और ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर हम लेफ्ट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब सिंपली यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट क्लिक करना है और नाउ यहाँ पर आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। वेल यहाँ पर मैं इंस्टॉल पर क्लिक नहीं करो बिकॉज यहाँ पर मैं ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपने अपनी विंडो ट्रे के अंदर आना और अब यहाँ पर आपको वायर्ड एक्स डिस्प्ले ड्राइवर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर फ्रेम रेट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप हाई लो पे कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पर आपको क्वालिटी एडजस्ट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप दोनों को हाई पर रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही में यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन सेट करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है, चलते हम सेकेंड स्टेप की ओर। सेकेंड स्टेप में हमें हमारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन में वायर्ड एक डिस्प्ले डाइवर्ट करके एक एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना है। बट ध्यान रहे, ये एप्लीकेशन आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है वेल उसी से डाउनलोड करिए और कहीं से आपने इसको डाउनलोड नहीं करना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा।
यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद हमारा काम 70% तक कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप यहाँ पर वायर्ड एक डिस्प्ले ड्राइवर एप्लीकेशन को ओपन करके यूएसबी केबल के थ्रू अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को पीसी से अटैच करते हो तो डायरेक्टली डिस्प्ले आना स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी सिर्फ आप इसे ना एज अ सेकेंडरी मॉनिटर यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो चलिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सेकेंडरी मॉनिटर में आप वर्क कैसे करोगे। तो सिंपली यहाँ पर आप कोई भी दो सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो और अपने एक सॉफ्टवेयर को ड्रैग करके अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन या फिर सेकेंडरी डिस्प्ले में आप ड्रॉप कर सकते हो। सिमिलरली यही काम आप उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर आप किन्हीं भी दो सॉफ्टवेयर को एक ही टाइम पर भी यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इसे एज अ प्राइमरी मॉनिटर भी यूज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ इवेंट, जैसी लाइक जब आपके पास मॉनिटर अवेलेबल नहीं हो या फिर आपका मॉनिटर खराब हो जाए तब। तो वेल वो कैसे करोगे, तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर में आना है और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और यहाँ पर आपको डिस्प्ले सेटिंग्स करके ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपने इसके अंदर आ जाना है। अब यहाँ पर आपको दो डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, बट यहाँ पर ध्यान रहे कि अभी यहाँ पर इस समय आपका जो एंड्रॉइड डिवाइस आपके पीसी से कनेक्टेड होना चाहिए और उसमें जो हमारा वायर्ड एक डिस्प्ले ड्राइवर एप्लीकेशन है वो भी ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, जो हमारा सेकंड वाला डिस्प्ले यानी हमारा एंड्रॉइड स्मार्टफोन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब इसे मार्क एज अ प्राइमरी डिस्प्ले पर क्लिक कर देना है। मतलब कि अब आप अपने कंप्यूटर को अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में चला सकते हो पूरी तरीके से, आपको मॉनिटर की कोई जरूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अब आप कमेंट में ना मुझसे एक क्वेश्चन जरूर से पूछोगे कि जब यहाँ पर हमारे पास कोई मॉनिटर अवेलेबल ही नहीं है, हमारा मॉनिटर खराब हो गया है, तो जो भी सेटिंग अभी हमने की है वो हम कहाँ पर करेंगे। तो वेल सिंपल सा आंसर है, यहाँ पर आपके जिस भी फ्रेंड के पास मॉनिटर हो वेल आप उसके पास अपना पीसी लेकर के जा सकते हो 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमने हमारे पीसी में किया ही क्या है, जस्ट यहाँ पर हमने हमारे पीसी में वायर्ड एक डिस्प्ले ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है जो कि 5 मिनट का काम है। और उसके बाद सिंपली हमने एक स्टेप और किया था, वो ये था कि हमने हमारे एंड्रॉइड डिस्प्ले को एज अ प्राइमरी सेट किया था। बस इतना काम करना है, कुछ 5-6 मिनट का ये काम है। उसके बाद आप अपना पीसी घर लाते हो और उसे ऑन करते हो और देन सिंपली यहाँ पर यूएसबी केबल के थ्रू आप अपना एंड्रॉइड फोन उसमें अटैच करोगे तो डायरेक्टली डिस्प्ले आ जाएगा, यहाँ पर और कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे यूज कर सकते हो। ध्यान रहे अभी भी वीडियो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जितना भी मैंने प्रोसेस बताया था तो काफी ज्यादा सिंपल, बट यहाँ पर कुछ माइनर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वेल अगर यहाँ पर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हो या फिर 7.8 का कोई लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो तब तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा, बट हो सकता है कि अगर आप कोई ओल्ड वर्जन यूज़ करो तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाए। वैसे कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, बट हो सकता है कि आ जाए, आपका जो फ़ोन है वो कनेक्ट नहीं है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाया आपका पीसी। तो सिंपली इसके सॉल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, गूगल पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है IDB ड्राइवर्स फॉर जो भी आपका विंडो। सिंपली यहाँ पर आपको जो भी लिंक मिल जाए फर्स्ट वाला आपने उसमें जाना है और यहाँ पर से जो भी IDB ड्राइवर है उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और स्टार्ट कर देना। अब सिंपली यहाँ पर आपका काम कंप्लीट है, अब यहाँ पर आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं कुछ कमाल की बात बताने वाला हूँ, तो मैं एक कमाल की बात नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पर 3-3 कमाल की बात बताने वाला हूँ। नंबर 1, इसके थ्रू यहाँ पर मैं अपने पीसी को अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में सिर्फ देख ही नहीं सकता बल्कि उसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पर मैं किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकता हूँ, विंडो को ओपन कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर को ओपन करके रन कर सकता हूँ, तो है ना ये कमाल की चीज़। नंबर 2, जिस तरीके से यहाँ पर हमने हमारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन को एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले अपने यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट किया ना, आप वायरलेसली भी कर सकते हो, यहाँ पर आपको वायरलेसली कनेक्ट करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। बट वहाँ पर प्रॉब्लम ये होगा कि वहाँ पर जो रिस्पॉन्स टाइम है ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा मिलने वाला है। रिस्पॉन्स टाइम मीन्स मान लो आपने अभी क्लिक किया बट वहाँ पर विंडो के अंदर क्लिक 2-3 सेकंड के बाद हो रहा है, तो ये इशू आ सकता है। बट डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको 5-10 ms के बीच का रिस्पॉन्स रेट मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा होगा, यानी जो भी आप एक्शन वो क्विकली परफॉर्म हो जाएगा, आपको डिले देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। नंबर 3 और सबसे कमाल की बात, वेल यहाँ पर जिस तरीके से हमने हमारे एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन को एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले कनेक्ट किया है, वेल आप एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, 4-4 डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, फिर वो आपको एंड्रॉइड स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो या फिर कुछ भी हो, मतलब आप एक टाइम पर 4 सॉफ्टवेयर को यूज कर पाओगे। बट ध्यान रहे उसके लिए आपके पास एक हैवी पीसी होना चाहिए, एटलीस्ट क्वाड कोर पीसी तो आपके पास होना चाहिए तभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। बट ये काम आप वायर्ड एक डिस्प्ले ड्राइवर सॉफ्टवेयर से नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको स्पेस डिस्क करके एक सॉफ्टवेयर आता है उसे इंस्टॉल करना होगा अपने पीसी और एंड्रॉइड दोनों में ही। इंस्टॉल करने का प्रोसेस और जो सेटअप करने का प्रोसेस है ना वो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है वायर्ड एक डिस्प्ले ड्राइवर जैसा। बट वेल यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको केवल 2 ही डिस्प्ले की जरूरत है तो यहाँ पर आप डेफिनेटली वायर्ड एक डिस्प्ले ड्राइवर को ही यूज करिए, और अगर बाय चांस आपको उससे ज्यादा डिस्प्ले की जरूरत पड़ती है तो तभी आप स्पेस डिस्क सॉफ्टवेयर को यूज कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स टाइम देखने को नहीं मिलता जितना कि आपको वायर्ड एक डिस्प्ले ड्राइवर में देखने को मिलता है। तो वेल यहाँ पर आप
आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों में से किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट्स किए बिना तो बिल्कुल मत जाना।